और ये सोफा पे मैं इसका जो ये कवर था ये फिर चढ़ाने वाली हूँ फॉर अ चेंज, एंड जो कुशन कवर्स हैं ये भी बदल डालूंगी विद देम। एक्चुअली ये जो छोटे वाले हैं ना इसके कुशन कवर्स हैं मेरे पास, पर ये जो बड़े वाले हैं इसके कवर्स नहीं हैं। पर ये सारे वॉश करूंगी मैं, तो जब ये सूख जाएगा तो ये वापस इसको ही पहना दूंगी, मेरे पास कोई दूसरा और नहीं है इसके लिए, बट छोटे वालों पे ये डाल दूंगी। और मैंने मंगाया है बाकी सब सामान के साथ थोड़े चॉकलेट भी, छोटे छोटे चॉकलेट हैं। लेकिन पता है ये क्या कह रही थी, क्या बोल रही थी शानू, कह रही थी एक्लेयर्स मंगा दो, ये सब मत मंगाओ। बट आई वाज लाइक वो एक्चुअली ट्यूशन जाएगी, स्कूल तो नहीं है ऑब्वियसली, स्कूल तो अब जाना ही नहीं है, दूसरे स्कूल ही जाते हैं विच इज़ सेंटर, तो वो ट्यूशन में चॉकलेट लेके जाएगी उसकी टीचर। बताओ ना कल क्या हुआ था। बेसिकली कल क्या हुआ था इज दैट मैं काफ़ी टाइम के बाद वापस ट्यूशन गई थी क्योंकि अब साइंस का एग्जाम पास आ रहा है, तो मेरे फिर बर्थडे की बात आई एंड कैसे जा चुका है, तो फिर सब हैप्पी वेरी बिलेटेड बर्थडे, और फिर मालूम हुआ कि अरे तुम्हारा तेरा बर्थडे जा चुका है सामने, कोई बात नहीं मैं कल तेरा गिफ्ट लेके आऊंगी पेंडिंग। तो मैम गिफ्ट लेकर आएंगी। यार इसकी टीचर बहुत अच्छी है, वो अच्छे से गाइड भी करती है ना, टीचर तो है ही अच्छी, अच्छे इंसान भी है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं चॉकलेट मंगा देती हूँ, तो शुरू लाइक कि नहीं एक्लेयर्स मंगाओ। वो तो मुझे ये भी पूछ रही थी इतने दिन हो गए बर्थडे को अभी दे सकते हैं क्या, मैंने कहा जब मैम गिफ्ट दे सकते हैं तो क्यों नहीं चॉकलेट दे सकते। अच्छा लग रहा है सोफा देख के है ना, पुराने घर की याद आ रही है, अच्छे दिन थे वो। आप सभी को वेलकम करना तो भूल गए, सॉरी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी, उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हमेशा आपसे कहती हूँ कि हम सभी मज़े में हैं, पर आज सच बोलूँगी इतना भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, पिछले कुछ वक्त से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि शानू के फर्स्ट पेपर के दिन कैसे प्रॉब्लम हो गई थी, तो भगवान की कृपा से बस टच करके निकल जाती है चीज़ें, आशीर्वाद है भगवान का। लेकिन पता नहीं क्यों पिछला लास्ट वीक तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट गया है। उस दिन उसका पेपर जैसे तैसे बड़ी मिन्नतें करने के बाद हम लोग उसको अंदर पहुंचा पाए, उसका पेपर हो गया, और उसके बाद फिर ट्यूसडे में शाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी घर पे। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो मैंने वहाँ पे ना स्टेटस भी डाला था। तो ट्यूसडे की रात इतना मुश्किल वक्त था, मैं आपको बताना चाहती हूँ बट आई थिंक इट इज़ नॉट द राइट टाइम, इतना मुश्किल वक्त था वो, कितनी मुश्किल से वो रात गई। फिर वेडनेसडे पूरा दिन बहुत डिफ़िकल्ट था, मुझे फिर फीवर आ गया, इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई उस इंसिडेंट की वजह से। थर्सडे तो मैं बिल्कुल ही पड़ी हुई थी, मुझे इतना हाई फीवर था, और दोपहर में न्यूज़ मिली कि हमारी जो एक मासी जी हैं वो गुड़गांव में रहती हैं और वो है ना गिर गई हैं, एंड गिर गई हैं जैसे थोड़े वो बड़ी भी है ना, ओल्ड एज है, तो उस हिसाब से हमको लगा कि स्लिप वगैरह हो गई होंगी। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, वॉचमैन ने फ़ोन करके बुलाया जो आसपास हमारे रिलेटिव्स थे क्योंकि वो अकेले रहती हैं, वो भी एक बड़ी सैड स्टोरी है, वो मैं अभी यहाँ पर नहीं खोलना चाहती हूँ। तो फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनको बहुत ब्लीडिंग हो गई थी, तो उस टेंशन में भी सारा थर्सडे निकल गया, एंड फ्राइडे की इवनिंग होते होते न्यूज़ मिली कि उनका डिमाइस हो गया, एंड हम लोग के पैरों के तले से तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो, इतना हार्ड टाइम, मतलब कैसे हो सकता है यार। मैं ये सारी बातें है ना आपके सामने आकर बात करना चाह रही थी मैं बहुत वक्त से, बट मुझसे हुआ नहीं, इसलिए मैं इस तरह वॉइस ओवर में ही आपको बता रही हूँ। तो मौसी जी के डिमाइस हो जाने के बाद फिर शर्मा जी ने क्योंकि जाना था वहाँ, तो पापा मम्मी और शर्मा जी के टिकट बुक किए शर्मा जी ने, लेकिन सैटरडे को सानवी और खुशी दोनों के ही एग्ज़ाम थे, और टाइम ऐसा होता है कि एक ही वक्त पे मैं दो जगह नहीं हो सकती दोनों बच्चों को लेकर, तो उन्हें अपना टिकट जो है कैंसिल कराना पड़ा। मम्मी पापा गए हैं अभी वहाँ पर।
और उनका पोस्टमार्टम वगैरह सब हो गया था। एंड शर्मा जी की मेरी बहुत ही इच्छा थी, मुझे बहुत लोग बोलते भी हैं कि लास्ट टाइम कब गई थी आप किसी शादी में, नहीं जा पाते यार बच्चों की, जिसके घर में मेरे जितने बच्चे हैं वो समझते हैं बच्चों की पढ़ाई ही इस वक्त सबसे ऊपर होती है, और मेरे बच्चों के तो इस वक्त एग्ज़ाम चल रहे हैं, मुझे सच बोलूँ बीमार होने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन देखिए ना, मैं इस वक्त बीमार भी हूँ और सब कुछ ही इस वक्त फेस करना पड़ रहा है, तो नहीं जा पाए। मासी जी का अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद मम्मी पापा को सेम जगह ही जाना था, दूसरी एक और मासी जी के यहाँ पे शादी का कार्यक्रम है, तो मम्मी पापा वहीं हैं। और इतने में मतलब हमको लगा था कि भगवान कैसा मुश्किल वक्त चल रहा है, शक्ति दे सभी को, पर यहाँ पर इतना मुश्किल। कल मैं आपको बताऊँ, कल इवनिंग हम लोग पुलिस स्टेशन से आए हैं, जैसे मुसीबतें हैं ना पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और आपको मैंने कार के बारे में बताया था, कार का एक्सीडेंट हो गया था तो वो भेजी थी वर्कशॉप, लेकिन अभी तक जो कार का जो इंश्योरेंस है हमारा, उन लोगों ने उसको क्लियर ही नहीं किया है। कार रिपेयर हो गई बट वहीं पड़ी हुई है, हमको वो दे नहीं रहे हैं क्योंकि इंश्योरेंस भी क्लियर नहीं हुआ। ये कभी भी नहीं हुआ है हमारे साथ। शर्मा जी के सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ईएमआई सब कुछ वो अपडेट रखते हैं जिससे कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आए। और ये पहली बार है इस कार का इंश्योरेंस हम लोगों ने कोटक से लिया था, एंड हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया है कि कार मतलब वो क्लियरेंस ही नहीं आ रही है वहाँ से। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पता नहीं सिस्टम स्लो है कि क्या है, सब कुछ हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिया है हमारी तरफ से, सब कुछ क्लियर है वर्कशॉप के एंड से। कार पूरी मेंड हो चुकी है वहाँ, लेकिन बस पड़ी हुई है, हमको नहीं दे रहे हैं वो, जस्ट बिकॉज क्लियरेंस नहीं आई है। हटा दिए मैंने, यहाँ नीचे रखे हैं। क्या? नीचे चलो खुशी, गुड मॉर्निंग खुशी। खुशी बोल रही है चांद अभी भी आसमान में है, वो रहा, और सूरज भी है, वेट वो रहा। फाइनली बस आ गई, बाय। ये जो व्लॉग रहते हैं ना, ये पहले तो मैं जब रेगुलरली व्लॉग डालती थी एवरीडे, तो दिन के 24 घंटे में से वो 15-20 मिनट के क्लिप्स आप लोग देखते थे। लेकिन अब तो मैं रेगुलरली डाल भी नहीं पाती हूँ, कभी कोई वजह होती है, कभी कोई वजह होती है, तो बहुत ही कम आप देख पाते हो। कभी कभी मेरा ना दिल करता है कि खुल के आप लोगों को बता दूँ, जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो अच्छी कम्युनिटी ही है मेरी, और बहुत सारे तो इतने अच्छे दिल के हैं, इतने दिल से मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको फिक्र हो जाती है, तो मेरा मन करता है खुल के बता दूँ। बट देन सब लोग वैसे भी नहीं हैं, कुछ लोग सिर्फ मसाले की तलाश में आते हैं, तो फिर मैं अपने आप को रोक लेती हूँ कि नहीं, अगर ज़रूरी होगा तो बताऊँगी। जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक छोटी सी न्यूज़ जैसी दी थी, क्या बताऊँ, मैंने एक छोटा सा टॉपिक छेड़ा था, मैंने बोला भी था कि मैं अभी नाम नहीं बताऊँगी बट ज़रूरी होगा तो नाम बता दूँगी। मेरे सारे ही सब्सक्राइबर ये सब बातें समझ जाते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है इस तरह सब चीज़ें खोलना। बट स्टिल वहाँ पे जो मसाले के शौकीन लोग होते हैं, देवर जजमेंटल पीपल, देवर लाइक कि जब नाम नहीं बताना था तो क्यों बताया। मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरी जो कम्युनिटी है, हम दिल से जुड़े हैं, एंड मेरे चेहरे पे आ जाता है इस वीडियो में भी। वैसे ज़्यादा मैंने खुद को दिखाया नहीं है, बट जहाँ भी आपने मेरी शक्ल देखी होगी आपको पता चल ही गया होगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आवाज़ सुनकर, शक्ल देखकर बोल देते हैं कि नीलम सब ठीक है ना, देखकर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, उनको एहसास हो जाता है, तो बस उन्हीं के लिए मैं बताती हूँ।
मैंने वेनसडे को जो इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाला था ना, उसके बारे में भी मेरा बहुत दिल था बात करने का। मैंने कई बार कैमरा लगाया भी कि चलो मैं आपसे इस बारे में बात करती हूँ, बट देन हर बार फिर मैंने छोड़ ही दिया। थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी किया बट वो क्लिप मैंने यहाँ पर नहीं डाले हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि चीज़ें मैं जिस तरह से आपको बताना चाह रही हूँ उस तरह से आप नहीं लोगे तो फिर मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। सिमिलरली मैं थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र कर रही थी कि कल हम लोग पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा के आए हैं, वो भी एक काफ़ी बड़ा वाकया हो गया। गलती नहीं थी हमारी, लेकिन अच्छा किया कि हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वरना फिर वो जो दूसरी पार्टी थी वो हमको अच्छी तरह से परेशान करने के चक्करों में लगी हुई थी। भगवान जाने, वैसे तो भगवान जी का आशीर्वाद ही कहूँगी मैं कि मुसीबत में हम लोग पड़ते हैं, बट उनका आशीर्वाद है कि थोड़े से ही नुकसान के साथ हम लोग को वो निकाल लाते हैं, वरना ये चीज़ें बहुत बड़ी हो सकती हैं। नुकसान बड़ा हो सकता है, दुख बड़ा हो सकता है। उस दिन शानू का पेपर था सुबह सुबह और गाड़ी बैंग हो गई, भगवान ने बस बचा लिया। जितना नुकसान हुआ गाड़ी को ही हुआ, थोड़ा शानू का टाइम जो था वो लेट हो गया। वो तो उसके टीचर्स अच्छे हैं, सब लोगों ने हमारी सिचुएशन अंडरस्टैंड करी एंड गाड़ी अपने आप में गवाह थी कि प्रॉब्लम्स जेन्युइन है, सच में ये सब हुआ है, नहीं तो वो लोग उसे नहीं लेते। पर भगवान का आशीर्वाद था कि उन्होंने उसको एग्ज़ाम देने दिया। हम लोग कितना भगवान का शुक्रिया मना रहे हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत हो सकती थी, बट भगवान के आशीर्वाद से हम लोग निकल आए उस परिस्थिति से। और आपको बताऊँ, पिछले 3 दिन शर्मा जी भी घर में नहीं थे, कुछ वजह थी तो उस बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। कुछ भी लंच डिनर ये वो कुछ भी ठीक से नहीं हुआ। फीवर में भी मैं थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मुझसे हो रहा था मैं कर पा रही थी। मेरे दोनों ही बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो वो भी मुझे बोलते हैं कि मम्मा हम कर देते हैं, बट मुझसे ये नहीं होता। मुझे फिर ये लगता है कि नहीं, ये उनका बहुत क्रूशियल टाइम है, सारे साल की मेहनत इस वक्त उनकी फलीभूत होगी। मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं बेटा पढ़ लो, जैसा भी होगा जो भी होगा मैं कर लूँगी। चलो बाहर चलो, खाना लेकर आ रही हूँ। और यहाँ पे लंच हो गया रेडी, ये बन गया है आलू का भरता, साथ में मैंने थोड़ा सा पनीर ऐसे तवा रोस्ट कर लिया है, उधर पे राइस इज़ रेडी, मुझे ये फ्लफ करना है अभी। एंड यहाँ पर दाल हो गई रेडी, साथ में थोड़ा सा सैलड मुझे शानू ने काट के दिया है। एंड हम अपना आज नीचे बैठ करके लंच इन्जॉय करेंगे। हाँ देखो, आज का दूध है ये पूरा खराब हो गया, बंद कर दो गैस। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस यही है कि निकल जाएगा ये वक्त भी। कभी कभी ना स्ट्रॉन्ग बनते बनते भी ना थक जाते हैं यार, हिम्मत टूट जाती है। रोज़ आपसे कहती हूँ कि हम सब अच्छे हैं, जबकि अंदर मैं ये जानती हूँ कि कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है। बट आप लोग का प्यार है, आप लोग की दुआएँ हैं, आप लोग का आशीर्वाद है, और मेरा रब तो है ही जो आगे से आगे हमको गाइड करते हैं, सब अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए। उम्मीद कर रही हूँ सब अच्छा होगा, प्लीज दुआओं में हमें याद रखिएगा।